20 जून से जगन्नाथ यात्रा आरंभ हो चुकी है। रथ यात्रा की शुरुआत हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से होती है। वहीं शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। हर साल आषाढ़ माह में यहां भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। लोगों की ऐसी आस्था है कि जो व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होता है और भगवान के रथ को खींचता है, उसे 100 यज्ञ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। वैसे तो पूरी की जगन्नाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। इस यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर जनता का हाल जानने निकलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक रथ यात्रा में चलने से व्यक्ति के समस्त कष्ट दूर होते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कैसे हुई थी जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत और क्या है 3 रथों की विशेषता। तो आइए हम आपको बताना शुरू करते हैं। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की यात्रा की शुरुआत को लेकर कई कथा प्रचलित हैं। एक कथा जो मशहूर है, उसके मुताबिक एक बार देवी सुभद्रा ने अपने बड़े भाई श्री कृष्ण और बलराम से द्वारका दर्शन की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद तीनों रथ पर सवार होकर द्वारका नगर का भ्रमण करने निकल गए। तभी से रथ यात्रा हर साल होती रहती है। जगन्नाथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा विराजमान रहते हैं। रथ यात्रा में तीनों ही देव के रथ निकाले जाते हैं। इतना ही नहीं, इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलराम और बहन सुभद्रा का अलग अलग रथ होता है, और इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से शुरू होती है। रथ में सबसे आगे बलराम और बीच में बहन सुभद्रा का रथ होता है, सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ रहता है। इतना ही नहीं, सभी के रथ अलग अलग होते हैं। भगवान बलराम के रथ का ताल ध्वज कहा जाता है, और इसकी पहचान लाल और हरे रंग से होती है। तो दूसरी तरफ बहन सुभद्रा के रथ का नाम पद्म रथ होता है, जिसका रंग काला या नीला होता है। तो वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को गरुड़ ध्वज कहा जाता है, इनका रथ लाल और पीले रंग का होता है। रथ को नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी माना जाता है। तो जगन्नाथ यात्रा शुभ रहे, और जगन्नाथ यात्रा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों, ऐसे ही हम लोग प्रार्थना करते हैं।